हेलो स्टूडेंट्स, प्लेन हमारा टॉपिक चल रहा था। प्लेन पर हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, चैप्टर नंबर 13 जो है आपका। अब इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी बुक का, 1-1, 2 से होकर जाने वाले तथा समतल 2x-3y+z=0 के समांतर रेखा का सॉरी समांतर समतल का समीकरण। क्वेश्चन ये है कि बिंदु इतने से पास होता है और इसके समांतर, तो कल हमने लंबवत समतल का समीकरण बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम बताएंगे कि समांतर कैसे ज्ञात करते हैं। समांतर के लिए देखिएगा, तो समतल 2x-3y+z=0 के समांतर समतल का समीकरण इक्वल टू ये हो जाएगा 2x-3y+z। देखिए, अगर कोई भी यहाँ समीकरण में अगर कहीं पर कोई कांस्टेंट दिया हुआ हो तो कांस्टेंट की जगह लैम्डा मान लेते हैं, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इक्वल टू जीरो है, तो इक्वल टू में हमने इसको मान लिया लैम्डा है, हमने मान लिया, माना समतल इतने के समांतर समतल का समीकरण इतना है। तो इसको तो नंबर आप रख सकते हैं फर्स्ट। अब चूंकि यह है बिंदु 1-1, 2 से पास होता है, तो इसलिए यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, तो ये बिंदु रख दीजिए अतः 1-1, 2 पर फर्स्ट, तो रखें 2×1=2, -3×-1 और +2=λ, 4 और 3 7, लैम्डा की वैल्यू आ गई 7। तो ये पुट कर लीजिएगा फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, तो 2x-3y+z=7। तो ये अभीष्ट समतल का समीकरण हो गया जो कि दिए गए समतल के समांतर है और इस बिंदु से पास होता है। आगे चलिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 1-1-1 ये नंबर 16 तथा 2x-4y+3z+5=0 वे 3x-4y+5z+8=0। तो यहाँ पर ये 16 में यहाँ पर कोई दूसरा प्लेन होगा, मैंने अपनी तरफ से कोई दूसरा प्लेन मान लिया ऐसे ही। अब वो क्वेश्चन नंबर 16 आप करना भी, क्वेश्चन ये है कि बिंदु इतने से जाने वाले तथा समतल इतने व इतने की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो ये दो समतल की प्रतिच्छेदन रेखा से जो बिंदु इतने से होकर जाता है, तो हम मान लेते हैं कि माना ये समतल फर्स्ट है और ये समतल सेकंड है। समतल फर्स्ट व सेकंड की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर मेन मोटो है समतल के अंदर समतल का समीकरण ज्ञात करना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट की कंडीशन देगा, तो कई सारी कंडीशन हम करा चुके इससे पहले
एक बिंदु से गया दो के परपेंडिकुलर हुआ, दो बिंदु से गया एक के परपेंडिकुलर हुआ ऐसे समतल, या तीन बिंदु से पास होने वाले समतल का समीकरण। तो और बहुत सारी कंडीशन थी, आज ये समांतर लंबवत समीकरण, आज ये समांतर का आया, नेक्स्ट आया प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, समतल फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड, तो 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x माइनस 4y प्लस 5z प्लस 8 इक्वल टू ये। तो अब ये जो समतल है इसमें आप x, y, z अलग अलग कॉमन ले सकते हैं, और x कॉमन ले लीजिए 2 प्लस 3 लैम्डा इंटू x, और माइनस के 4 तो यहाँ प्लस ले लो माइनस 4, माइनस के 4 लैम्डा इंटू y कॉमन आ गया, ऐसे z कॉमन ले लो प्लस के 3 एंड प्लस के 5 लैम्डा इंटू z, और प्लस के 5 प्लस 8 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो बिंदु जिससे पास होता है वो रख दीजिए, बिंदु 1,1,1 पर नंबर है ये सेकंड थर्ड, तो थर्ड में रख दीजिए 1,1,1, तो 2 प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 1, प्लस के -4 -4 लैम्डा इंटू 1, 3 प्लस 5 लैम्डा इंटू 1, प्लस के 5 प्लस 8 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब जो जितने लैम्डा है वो एक साथ ऐड कर लीजिए, 8 लैम्डा और 5 13 लैम्डा में से 4 घटा दो तो 9 लैम्डा और 3 लैम्डा 12 लैम्डा। अब 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 और प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -6/12 अर्थात -5, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो अब लैम्डा की ये वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख लें, थर्ड में रख लें, तो आपको उस समतल का समीकरण मिल जाएगा। तो लैम्डा का यह मान थर्ड में रखने पर लैम्डा का यह मान थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखते हैं 2 -1/2 है तो यहाँ 3 लैम्डा है तो -3/2 हो जाएगा इंटू एक्स, प्लस वाई में देखेगा -4 और -4 लैम्डा ये माइनस में है तो प्लस हो गया 4/2 इंटू वाई, और जेड पर पहुँचते हैं 3 -5/2 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू -8 रखेंगे जब इंटू जेड, और प्लस के 5 प्लस के 8 तो 8 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास 2 -3/2 था तो 2 × 4 -3 1 तो 1/2 एक्स, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और -4 + 2 तो -2y, 6 -5 तो प्लस के 1/2 जेड, प्लस 5 और ये -4 इक्वल टू 0। तो अब आप क्या कर सकते हैं, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 एलसीएम आ गया तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स -4y प्लस जेड और प्लस यहाँ बचा था 1 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इक्वल टू 0। तो ये वो अभीष्ट समीकरण है जो दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर गया तथा किसी बिंदु से पास हो गया। तो भिन्न भिन्न कंडीशन मिल रही हैं समतल की समीकरण ज्ञात करने की, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको समतल के समीकरण ज्ञात करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कंडीशन मिलती है, अब दिया है कि समतल दिए हुए दो एक्स प्लस 2y प्लस 3z, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, बीच के क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचे हम,
समतल एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर, फोर नाइन, नाइन है ये, और टू एक्स, इसको आप फर्स्ट ले लें, टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये सेकंड है। समतल फर्स्ट व सेकंड की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण जो कि इस समतल पर लंब हो। तीसरा दिया हुआ है 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू जीरो, ये थर्ड। तो उसने कहा है समतल फर्स्ट व सेकंड की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा समतल थर्ड के लंबवत। तो पहले तो इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण निकालो। तो समतल फर्स्ट व सेकंड की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस नाइन प्लस लैम्डा टाइम्स, दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और x कॉमन लेंगे, देखिए x यहाँ से कॉमन आ गया तो वन बचता है, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो प्लस के टू लैम्डा, ऐसे ही y कॉमन ले लो यहाँ से टू बचेगा, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो प्लस के लैम्डा की मल्टीप्लाई है लैम्डा इन टू वाई, और प्लस के यहाँ से z कॉमन लेंगे थ्री बचता है, z कॉमन लेंगे तो माइनस लैम्डा इन टू जेड, अब माइनस नाइन दिस वन एंड प्लस फाइव लैम्डा, ये कॉन्स्टेंट हो गए इक्वल टू जीरो। तो ये है हमारे पास वो समतल जो कि पहली दो की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है, समतल फर्स्ट पे सेकंड की प्रतिच्छेदन। अब कंडीशन ये दी है कि ये इसके लंबवत है, अगर ये इसके लंबवत है तो इनके डी आरस के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू जीरो। अब चूंकि दिया है कि समतल थर्ड व फोर्थ लंबवत है, इसलिए इनके डी आर का प्रोडक्ट, डी आर देखिए इसके पाँच तीन छः हैं और इसके डी आर है वन प्लस टू लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री माइनस, इनके प्रोडक्ट का सम इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या है वो हमारे पास, फाइव इंटू वन प्लस टू लैम्डा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू थ्री इंटू टू प्लस लैम्डा प्लस सी वन सी टू सिक्स इंटू थ्री माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर लें, तो लैम्डा लैम्डा एक साथ ले लेंगे, देखिए टेन लैम्डा तो ये हो गया, यहाँ से प्लस के थ्री लैम्डा आया और यहाँ से माइनस के छः लैम्डा आया, बाकी कॉन्स्टेंट संख्या है उधर ले जाओ सब, जैसे पाँच है माइनस का हो जाएगा उधर, प्लस का छः तो माइनस का छः हो गया, प्लस के अट्ठारह तो माइनस के अट्ठारह, अब ये कितना हो जाता है तेरह लैम्डा, तेरह लैम्डा में से छः लैम्डा ले जाओ तो ये हो गया सेवन लैम्डा, सेवन लैम्डा इक्वल टू माइनस में कितना हो रहा है, माइनस के ग्यारह है माइनस के अठारह है माइनस के ट्वेंटी नाइन। तो लैम्डा की वैल्यू जो आई है लैम्डा इक्वल टू माइनस ट्वेंटी नाइन बाई सेवन। अब लैम्डा की ये वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, समीकरण फोर्थ में। तो समीकरण फोर्थ में रखने पर आपको अभीष्ट समतल का समीकरण मिल जाए। तो लैम्डा का यह मान समीकरण लैम्डा इक्वल टू माइनस उनतीस बाई सेवन कौन सी समीकरण में रखोगे, फोर्थ में। फोर्थ में रखने पर रख देंगे आप इसको इसमें, ठीक है मैं रख देता हूँ, कैलकुलेशन कर लेना। वन माइनस टू इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है उनतीस बटे सेवन और इंटू है ये टू इंटू एक्स, अब प्लस वाई में आ जाए टू प्लस लैम्डा है तो टू, लैम्डा की वैल्यू माइनस के उनतीस बाई सेवन इंटू वाई, ऐसे ही जेड में आ जाओ थ्री माइनस लैम्डा तो थ्री
माइनस है, ए भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 29/7 इंटू जेड, और माइनस के 9 और प्लस 5 लैम्डा, तो 5 से मल्टीप्लाई माइनस के 5 इंटू 29/7 इक्वल टू, अब बस इसकी एलसीएम एलसीएम ले लेना, सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा समतल का समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखिए हम किसी बिंदु से समतल की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। कोई भी समतल देखिए, पहले समझ लीजिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है, और बिंदु x1 y1 z1 से इस समतल की दूरी ज्ञात करनी है, से समतल फर्स्ट की दूरी बिल्कुल सिंपल है। तो मान लिया P है, P इक्वल टू एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू रख दो, एक्स वन वाई वन जेड वन, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन स्क्वायर रूट में आएगा एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर्स का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये है अभीष्ट दूरी किसी बिंदु से समतल की। तो यार क्वेश्चन आपके पास आया है 2, 3, -5 से समतल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 है, समतल x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0 की दूरी। तो कुल की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहां से बिंदु से, तो ठीक है, तो 2, 3, -5 से समतल फर्स्ट की दूरी P, मान लो P इक्वल टू एक्स की जगह कितना आ जाएगा 2 प्लस के 2 इंटू वाई की वैल्यू है 3 और माइनस के 2 इंटू जेड जेड की वैल्यू है -5 और -9 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर्स का सम, तो 2 प्लस 6 माइनस का प्लस हो जाएगा 10 -9 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, तो 8 18 में से 9 गया 9 अपॉन 3, तो ये 3 आंसर। तो ये अभीष्ट दूरी हो गई। तो ये तो हुआ किसी एक बिंदु से समतल की दूरी। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कोई दो समतल दिए हुए हो और दोनों समतलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, तो ये देखिए ऐसे कंडीशन बन सकती है, या तो वो दोनों समतल एक ही तरफ होंगे, अगर दोनों समतल एक ही साइड में है तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से समतल फर्स्ट की दूरी निकाल लो और मूल बिंदु से ही सेकंड की दूरी, फर्स्ट की दूरी तो मान लिया पी वन है ये, और सेकंड की दूरी मूल बिंदु से पी टू है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, पी वन माइनस पी टू, टोटल में से ये लेस कर दो तो इनके बीच की दूरी, ये कल मैंने बताया भी था। तो अब ये कैसे पता चलेगा एक साइड में, तो ये पता चलेगा तब जब इनकी जो कांस्टेंट नंबर है उनके साइन एक जैसे हों, प्लस प्लस ही हों या फिर दोनों माइनस माइनस, लेकिन अगर अपोजिट साइन है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में, तो अगर एक दूसरे के अपोजिट साइड में है तो दूरी कैसे निकलेगी, एक ये आ गया और एक दूसरा ये आ गया, तो मूल बिंदु से इधर की दूरी P1 हो गई और मूल बिंदु से दूरी इधर P2 हो गई, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2 मूल बिंदु, और किसी बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं, जैसे ये हमने बताया, तो यहाँ बिंदु दिया होता है, यहाँ क्या है मूल बिंदु है 0, 0, 0 से इसकी दूरी और 0, 0 से दूसरी दूरी। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लीजिए, अब ये प्रश्न नंबर 21 देखिए, आप समतल दिए हुए हैं 2x-y+3z-4=0 पहला, और दूसरा दिया हुआ है 6x
माइनस थ्री वाई और प्लस नाइन जेड प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो सेकेंड। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो ये दोनों समतल अपोजिट साइन में है, तो अपोजिट साइन में है तो इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगी, इसकी मूल बिंदु से दूरी और इसकी मूल बिंदु से दूरी का योग हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गए, जैसे कि एक समतल इधर है और एक समतल इधर है, तो मूल बिंदु से पहले वाले पर दूरी और मूल बिंदु से दूसरे वाले पर दूरी। तो यहाँ मूल बिंदु से जीरो 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 से समतल फर्स्ट की दूरी P1 इक्वल मॉडुलस में ले लेते हैं हमेशा, तो ये 2 इंटू जीरो माइनस जीरो प्लस 3 इंटू जीरो और माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो P1 की वैल्यू आ गई माइनस 4, तो मॉडुलस से प्लस हो जाएगा 4 अपॉन स्क्वायर रूट 14, ये 14। अब मूल बिंदु से ये 21वां क्वेश्चन है, मूल बिंदु क्या है, जीरो 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 से समतल सेकंड की दूरी P2 इक्वल। अब सेकंड पर आप जीरो जीरो रखें, 6 इंटू जीरो माइनस 3 इंटू जीरो प्लस 9 इंटू जीरो और प्लस 13 मॉडुलस में ले लेंगे अपॉन स्क्वायर रूट एक्स का गुणांक 36 हो गया प्लस 9 हो गया और प्लस 9 है तो वही 81 हो गया, तो ये 13 अपॉन, ये तो सब जीरो हो जाएंगे 13 हो जाएगा और ये रूट में हो गया 126। 14 की और 9 की मल्टीप्लाई 126 होती है, तो P2 की वैल्यू आ गई 13 अपॉन ये 9 इंटू 14 है, तो 9 का 3 बार हो जाएगा तो 3 रूट 14। तो दोनों समतलों के बीच की दूरी इक्वल टू है P1 प्लस P2, तो P1 कितना आया है 4 अपॉन रूट 14 और ये आया है 13 अपॉन 3 रूट 14, तो 3 रूट 14 एलसीएम आ गया, 14 3 से मल्टीप्लाई 12 प्लस के 13, तो दिस इज 25 बाई 3 रूट 14 आंसर। तो ये क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, बाकी एक दो क्वेश्चन आगे तीन तीन बिंदुओं से जाने वाले समतल के समीकरण दिए हैं जो मैं पहले ही करा चुका, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ना, ये वाला चैप्टर हो गया आपका समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, इसे आप कर लेना, प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।